हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे शैक्षिक प्रबंधन के जो कुछ टॉपिक्स हैं। हमने दूसरा पहला टॉपिक आरटी 2009 पढ़ा, उसके हमने दो तीन पार्ट्स पढ़े हैं। और हमने उसके बाद में हमने दूसरा जो पार्ट पढ़ा था वो एनसीएफ, और जिसके दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में दो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है राज्य, जो राज्य में शैक्षिक परिदृश्य है उसकी भी बात मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। और एनसीएफ का आज पार्ट नंबर 3 हम आज पढ़ रहे हैं, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और उसके अंदर दौरान एनसीएफ में जो उनकी जो सामान्य चर्चाएं हैं वो हमने पढ़ ली थी, और आज मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आपको जो एनसीएफ है उसका जो नाम है वो कैसे बना, किस भाषा से बना है, उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, ये जो नाम है आपका पाठ्यचर्या, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसकी बात हम करें, उसमें जो करिकुलम शब्द है उसकी बात हम करें, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है पाठ्यचर्या, और लैटिन भाषा में उसे क्या कहा जाता है, क्यूरी रे। इसको क्या कहा जाता है, क्यूरी रे मानी जाती है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। क्यूरीरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, पाठ्यचर्या अर्थ होता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनके आपका जो पाठ्यचर्या करिकुलम है और जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, उन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है, उस अंतर की बात हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले इस साइड में लिखा हुआ है आपका पाठ्यक्रम, और इस साइड में आपका लिखा हुआ है आपका पाठ्यचर्या। देखिए, उसके दौरान हम बात करेंगे। तो हमारा जो पाठ्यक्रम और जो पाठ्यचर्या है उनमें अंतर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो अंतर आता है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक पूर्ण करने के संबंध में आता है, पाठ्यक्रम है वो पूर्ण करने के संबंध में आता है, लेकिन जो पाठ्यचर्या है वो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करती है। पाठ्यक्रम जो पूरा करने के संदर्भ में आता है, और जो पाठ्यचर्या होती है वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के संदर्भ में पढ़ी जाती है। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे जो पाठ्यक्रम है उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति, ये उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, और पाठ्यचर्या भी उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। उसके बाद में हम करें विषय वस्तु भी उसे कहते हैं, जो पाठ्यक्रम है उसको सिलेबस को हम विषय वस्तु भी कहा जाता है, लेकिन जो आपका पाठ्यचर्या है वो शिक्षा क्रम के नाम है, पाठ्यचर्या वो शिक्षा क्रम के नाम है। एक दूसरे जो पाठ्यचर्या उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या सम्मिलित नहीं की जाती, क्योंकि पाठ्यक्रम से बड़ा है पाठ्यचर्या। आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, किसी एक विषय की रूपरेखा। जो पाठ्यक्रम है वो किसी एक रूप जो विषय की रूपरेखा बनाती है, पाठ्यचर्या है वो सभी विषयों की रूपरेखा बनाता है। अगला पॉइंट आपका शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध है पाठ्यक्रम से, लेकिन इसका भी जो उद्देश्य है वो शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। शिक्षक व छात्र दोनों की क्रियाएं होती है इसमें आपकी पाठ्यक्रिया में, पाठ्यक्रम में, लेकिन जो पाठ्यक्रिया है जो पाठ्यचर्या है उसमें विद्यालय के सभी संसाधनों का समावेश उसमें किया जाता है। समय की बात करें, कक्षा कक्ष की बात करें, विद्यालय के जो स्टाफ है उसकी बात करें, सभी प्रकार के संसाधन हैं जो स्कूल में उपलब्ध होते हैं उनकी बात है, उनमें मिलाया जाता है। आगे की बात मैं यहाँ पर करूँ तो आगे की बात से देखिए कि शैक्षिक गतिविधियों का इसमें समावेश किया जाता है पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यचर्या में सह शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का समावेश भी किया जाता है। इसका निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका निर्माण जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जैसे सर्ट हो गई, एनसीईआरटी हो गई, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल होगी, इस प्रकार से जो नोड एजेंसी है उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है, आपका निर्माण किया जाता है। उसके बाद की बात करें हम नेक्स्ट, आगे हम पढ़ेंगे जो एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य की बात हम करें तो कौन कौन से उद्देश्य इसमें शामिल किए गए हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य आता है बिना सोच व तनाव के शिक्षा प्रदान करना। पहली जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, बिना सोच व तनाव के शिक्षा प्राप्त करना है।
और उसके बाद में अगर हम बात करें बालकों को रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है, तो ये सबसे पहले हम कह चुके हैं कि ये जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर बल देता है, जो रटने की प्रवृत्ति है उनके ऊपर क्या रोक लगाता है। बालकों की योग्यता व दक्षता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण करना, जो बालक की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, कितना वो ग्रहण कर सकता है, कौन सी उसकी रुचि है, उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्धारण करना है। बालकों के तार्किक व संज्ञान क्षमता में वृद्धि करने का सर्वाधिक बल दिया गया है। बालकों के तार्किक व संज्ञान क्षमता में वृद्धि करने पर सर्वाधिक बल दिया गया है। बालकों की शिक्षा एवं बालकों की जो क्रियाशीलता है उसमें वृद्धि करना होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, बालकों की शिक्षकों की व बालकों की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता में वृद्धि करने पर बल दिया गया है यहाँ पर। और छठा जो उद्देश्य है, शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना, शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना। और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करना। और आठवां जो उद्देश्य है वो पर्यावरण शिक्षा को भी अनिवार्य रूप में लागू करना है, और उसके बाद में दसवीं कक्षा में सभी परीक्षा परिणाम गुणात्मक और सुधार हो, जो NCF है उसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होता है, जो कक्षा दसवीं है उसकी जो परीक्षा परिणाम है उसमें गुणात्मक सुधार आए। ये थे इसके, मान लो आपके पाठ्यचर्या है उसके, आपकी जो हमने अभी पढ़े हैं उनके उद्देश्यों को। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पाठ्यचर्या के प्रकार। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन अभी इस चैनल पर न्यू है तो एक मिनट को, पाठ्यचर्या के प्रकारों की बात करें, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या है और विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या है, शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या। मैं पाठ्यचर्या की बात प्रकारों की बात कर रहा हूँ, तो पाठ्यचर्या के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करें हम। आठ प्रकार के होते हैं ये, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या, विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या, शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या। हाँ जी, एक मिनट रुको। प्रकार की बात हम कर रहे हैं, जो पाठ्यचर्या के जो प्रकार हैं उसमें हम आठ प्रकार के पाठ्यचर्याएं हम पढ़ रहे हैं। और उसके दौरान हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या, विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या, शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, सहसंबंध आधारित पाठ्यचर्या, क्रियात्मक पाठ्यचर्या छठा भेद हो गया, और एकीकृत पाठ्यचर्या और कोर टीम आधारित पाठ्यचर्या। ये जो आठ प्रकार हैं वो आपका जो करिकुलम है, इस करिकुलम के जो प्रकार हो जाते हैं, आठों जो भेद है वो करिकुलम के प्रकार हैं। उसके बाद में हम बात करें आपका जो आठ प्रकार है उसके बाद में और क्या तथ्य शामिल किया जाता है उसकी बात मैं यहाँ पर करूँ आपसे, तो हम पाठ्यचर्या का ये हमारा जो लास्ट सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत हम कुछ जो अनछुए बिंदु हैं मैं आपको वन लाइनर के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। गारंटी देता हूँ कि जो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया उसमें प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, अगर इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो। पाठ्यचर्या का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, पाठ्यचर्या का जो निर्माण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो दार्शनिक के आधार पर किया जाता है, ऐतिहासिक के आधार पर यहाँ पर किया जाता है, सामाजिक आधार पर किया जाता है, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार और राजनीतिक, यानी छह आधार पर जो हमारी पाठ्यचर्या है और इस पाठ्यचर्या का निर्माण इनके आधार पर किया जाता है। तो ये हमारा आज का जो सेशन था जो हम पढ़ रहे थे, इसके दौरान हम जो NCF 2005 और 2005 का हम थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे थे, और इसके अंतर्गत हमने उद्देश्यों की बात की, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अंतरों की बात हमने की, उनके प्रकार क्या होते हैं, पाठ्यचर्या के निर्माण के आधार क्या होते हैं उनकी बात हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा राज्य में शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट नंबर दो। उसके बाद में जो पार्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, राज्य में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था, हमने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हम नेक्स्ट सेशन में इसका पार्ट नंबर सेकंड इसके दौरान हम पढ़ने वाले हैं।
NCF 2005 के दौरान क्या क्या तथ्य हमारे सामने आए उसकी भी बात मैं इस चैनल के माध्यम से कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।